हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ कल की बात। आज एपिसोड नंबर 112, यानी कि आज है 22 नवंबर और हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं 23 नवंबर को मार्केट में क्या करना चाहिए, बाई करने में जाए, सेल करने में जाए। आपको मेरा क्लियर कट विज़न है। ओवरऑल मैं नेगेटिव में बैठा हूँ मार्केट में। मैं अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे खाली कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। यस, ज़्यादा नहीं है, मैं ऑलमोस्ट अपना 90% अकाउंट खाली करके बैठा हूँ। वेट कर रहा हूँ एक करेक्शन का, एक हेल्दी करेक्शन का। जैसे ही हेल्दी करेक्शन आएगा दोबारा बाइंग करके बैठ जाऊँगा अपने फेवरेट स्टॉक्स को। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कुछ ही शेयर्स है, 1, 2, 5, 10, 15 जो मैंने निकाल दिया है, 1%, 5%, 10% ऐसे करके रखा हुआ है होल्डिंग, जिससे कि मेरे को समझ में आया कि भैया एक एक शेयर में 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 200% का आरओआई मेरे स्टॉक से मिल रहा है, जो कोरोना काल में आप लोग सेल करके चल रहे होते। और मैं अकेला बंदा आप लोगों को भी बोल रहा था भैया बाई करो, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स है। आप लोगों को मैंने बोला था आपके सामने एक पोर्टफोलियो लाइव, आप लोगों के सामने भी मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, उसका भी मैं वीडियो जरूर डालूंगा। चलिए निफ्टी एप बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले कल यानी कि मैंने थर्सडे को फ्राइडे के क्या लेवल्स दिए थे देखना चाहोगे? आइए ले चलते हैं। भाई आप खुद देखो, क्लियर कट 12,730 पे बोला गया था कि भैया बाई करने का सोचना। और आप देखिए निफ्टी को, ये निफ्टी है। और देखो सर कितने बजे आपका टाइमिंग, 11:20 का कैंडल, आप चेक कर लेना, गो एंड चेक एग्जैक्ट 12,730 का लो और वहीं से 160 रुपए की तेजी इन निफ्टी फ्यूचर्स में। क्लियर कट बोला था भैया, क्लियर कट साफ साफ, एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली बाय अराउंड 12,730। रिजल्ट परफॉर्मेंस आपके सामने है भाई। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, कम से कम 10 दिन पेपर में, डायरी में या किसी भी माध्यम से आप अपने पेन से लिखिए लेवल्स को और देखिएगा और बताइए 15 दिन के बाद क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 15 दिन फॉलो कर लिया, 16वां दिन मिस नहीं करोगे सर, झक मार के देखोगे। एनीवे, तो अब चलिए मैं बात करता हूँ एडवांस लेवल्स की, यानी कल क्या लेवल्स होंगे। निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 12,854 ऑन फ्राइडे, क्लियरली मेंशन दैट बाय निफ्टी फ्यूचर्स एंड पैनिक एंड रिलैक्स विद स्टॉप लॉस 670। नाउ टुडे कीप आई ऑन 12,947 का इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लक्ष्मण रेखा ऊपर का है। यस, वंस क्रॉस एंड स्टे अबव दिस लेवल, कितना 12,947 के ऊपर क्रॉस होता है और स्टे करता है 5 मिनट भी, इट विल जूम टू किस 13,147। भाई साहब फिर बोल रहा हूँ, ये लेवल्स प्योर इंट्राडे लेवल्स है, मैं इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ। एडवांस में आपको मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, वेरी क्रूशियल सपोर्ट 12,730, 12,670। दोबारा ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ही फ्राइडे में इसी लेवल से आपका बाउंस हुआ था। कीप ईगल आई इन दीज लेवल्स, अगर इसके नीचे आता आता है मैं सेल करने का सोचूंगा, अदरवाइज इसी रेंज में बाइंग ऑन डिप सेल ऑन टॉप के माध्यम से मैं अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। एनीवे, अब देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स 29,155, राइट, वेरी क्रूशियल सपोर्ट 28,947, 28,870। दिस इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी के लिए काफी दिनों से मेंटेन करके चल रहा है। यस, लक्ष्मण रेखा 23,670, 23,756। आप बोलोगे इतना बड़ा लेवल, अरे एक सेकेंड, इट शुड बी 28, not 23, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे का जो लक्ष्मण रेखा है 28,670, 28,756 है, इसके नीचे जाएगा तो ही मैं सेल करने का सोचूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर का जो हडल है 847, 870 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर सेल करूंगा 28,670 के नीचे, 28,756 के नीचे आए तो ही मैं सेल करने का सोचूंगा, अदरवाइज बाई अबव 29,756, कीप ईगल आई, इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बाई करूंगा, अदरवाइज नो मूवमेंट आई एम गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अब की बार 31 के पार, अब की बार 31 के पार, क्या बोलते हो पब्लिक, साथ दोगे या अकेले अकेले लेके जाना पड़ेगा? मार्क माय वर्ड, अपसाइड लेवल 30,156, 30,470 है। सर आप बोलोगे, फिर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, Above 29,756, अब की बार 31 के पार, वर्ड याद कर लेना। और
साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, अगर मार्केट को गिरना है तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल छाप छोड़ के जाता है मार्केट, तभी तो नुकसान करोगे, तभी तो वो लेवल्स याद होगा। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स है, कैसे 30,000 का ही सेल्फ है साइकोलॉजिकल लेवल, अरे मार्केट 30,000 पे है, लगाओ दिमाग। आप स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो, मैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी के पीछे भागता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ, जब तक साइकोलॉजी डेवलप नहीं करोगे, 60% साइकोलॉजी मार्केट में काम करते हैं, रिमेनिंग 20% स्ट्रैटेजी काम करती है। इसलिए बोलता हूँ, सीखो सीखो सीखो, एजुकेट योर सेल्फ। सीखोगे तो भैया लाइफ लॉन्ग पैसा बनाओगे, और आज नहीं तो कल सीखना तो पड़ेगा। मर्जी आपकी है, पैसा है तो सीख लो, नहीं है तो सीख के भी क्या करोगे मेरे बड़े भाई। बुरा मत मानना सर, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्चाई बात बता रहा हूँ, राइट। इसलिए बोल रहा हूँ, 7 दिसंबर का लर्न एंड देन अर्न वाला जो हमारा मोटो है, इसको फुलफिल करिए। और भाई फिर बोलाऊँ, डू यू नो व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी? साइकोलॉजी अगेन। अगर साइकोलॉजी से पैसा बनाना है, ज्वाइन दिस क्लास। नो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी 10 से 12 ऑलरेडी यूट्यूब में स्ट्रैटेजी दिया है, वो भी बहुत पावरफुल है। अगेन साइकोलॉजी अगेन 60% पावरफुल है। कैसे ऑपरेटर आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, और प्योर गेम ऑफ कैंडलस्टिक्स, प्योर गेम ऑफ प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर एट ऑल। तो प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। 7 दिसंबर लिमिटेड सीट्स बची हैं, प्लीज बुक एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, लव यू ऑल। कल मिलते हैं 9:15 पर लाइव ट्रेड, और रेडी रहिएगा। 1 से 2 कॉल्स में आपको 5 से 15 के अंदर मैं सुबह सुबह आपको कल शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल। कल मिलते हैं 9:00।